बस्ती में हरिया के तपसी धाम सीएम योगी पहुंचे हैं। तपसी धाम में शिवलिंग की सीएम ने स्थापना की है। सीएम ने कहा है कि तपसी धाम पवित्र भूमि है। 15 जनवरी से 4 मार्च तक कुंभ का आयोजन हुआ। आज किसानों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमने किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। लखनऊ में पीसीएस संघ अधिवेशन में सीएम योगी का संबोधन हुआ। सीएम ने कहा, सेवा से बड़ा धर्म कोई नहीं। मुझे जिम्मेदारी मिली, मैं खुश हूं। मुझे रोज सीएम नहीं रहना, आज काम करूंगा, याद किया जाऊंगा। मैं रोज 17 से 18 घंटे काम करता हूं। सीएम योगी ने कहा कि इंसानियत के लिए काम करिए, आम आदमी को न्याय मिलेगा। 221 अफसरों का प्रमोशन किया गया है। इस सरकार में प्रमोशन में तेजी आई है। काम को योगदान के रूप में देखें। सरकार अफसरों को रिजल्ट देना चाहती है। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारी शुरू हो गई है। इसी महीने योगी मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों पर गिरेगी गाज। शुक्रवार को अमित शाह ने सीएम योगी और स्वतंत्र देव सिंह को दिल्ली बुलाया था। देर शाम अमित शाह के साथ दोनों नेताओं की बैठक हुई। उधर लखनऊ में हजरतगंज चौराहा अटल चौक के नाम से अब जाना जाएगा। महापौर संयुक्त भाटिया ने अटल जी की पुण्यतिथि पर यह घोषणा की। अब अटल चौक के नाम से जाना जाएगा हजरतगंज चौराहा। शाहजहांपुर में डीएम इंद्र विक्रम सिंह के बेशरम बोल। गर्भवती महिला से डीएम ने पूछा, कहा, चौथा बच्चा पैदा कर रही हो, शर्म नहीं आती? चौथा बच्चा पैदा करने पर डीएम के बेशरम बोल। डीएम इंद्र विक्रम सिंह का वीडियो भी वायरल। सामाजिक संगठन और किसान यूनियन ने खोला मोर्चा। संबल में जिला अदालत की हवालात पर छापेमारी। एसपी यमुना प्रसाद की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के ट्रैक किए गए हथियार। लापरवाह पुलिसकर्मियों को एसपी ने लगाई फटकार। एसपी यमुना प्रसाद ने सीसीटीवी चेक किए हैं। नोएडा में जोमेटो डिलीवरी बॉय को डीटीसी की बस ने रौंदा। खाना डिलीवर करने जा रहा था जोमेटो डिलीवरी बॉय, मौके पर जोमेटो डिलीवरी बॉय की मौत। ड्राइवर गिरफ्तार। नोएडा के सेक्टर 10 का मामला। बागपत में किसान की निर्मम हत्या। भाले से गोद कर किसान की हत्या की गई और ये सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आ चुका है। अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। खेत पर पड़ा मिला किसान का शव। आपसी रंजिश की वजह से यह हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिनौली थाना क्षेत्र के बीजवाड़ा गाँव का पूरा मसला बताया जा रहा है। अलीगढ़ के थाना गोंडा इलाके में व्यापारी से हुई लूट और हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से हथियार सहित लाखों रुपए बरामद। पूर्व में भी कई घटनाओं को लेकर पुलिस कर रही है जांच। आजमगढ़ में खाकी वर्दी में डकैतों ने आतंक मचाया है। इस दौरान 4 घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। 3 गाड़ियों में आए थे ये खाकी वर्दीधारी बदमाश। डकैतों ने महिलाओं से जेवरात नकदी लूटकर वो मौके से फरार हो गए। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। सीतापुर में दबंगों की गुंडाई का वीडियो सामने आया है। वीडियो में तोड़फोड़ लूटपाट और मारपीट साफ दिखाई दे रही है, लेकिन यूपी पुलिस लूटपाट मारने को तैयार नहीं। पुलिस सीसीटीवी को भी झूठा साबित करने में लग गई है। उधर भदोही में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने NH2 जाम कर दिया। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। उंज थाना इलाके के सुफी नगर की घटना बताई जा रही है। बुलंदशहर में पुलिस के प्रारंभिक जांच में महिला के साथ छेड़छाड़ का आरोप गलत। एसएसपी ने महिला द्वारा दरोगा पर लगाए गए छेड़छाड़ के आरोपों को गलत बताया। दबिश के दौरान उच्च अधिकारियों को जानकारी न देने और महिला पुलिसकर्मियों के साथ न ले जाने पर एसएसपी ने आरोपी दरोगा को किया लाइन हाजिर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।